भूमि मैम, यू आर देयर, गुड करेक्ट आफ्टरनून करेक्ट, सर, हैप्पी गुड टीचर्स डे। आफ्टरनून, आई एम वेरी थैंक यू लकी कि वेरी मुझे मच। आज ये बोलने मिला है, वो भी इतने बड़े दिन पे। आई एम ऑल्सो टीचर, मैं गुजरात थैंक से यू हूँ। वेरी सभी मच सुपर एंड मॉम्स, हैप्पी, आप जो ज्वाइन करने वाली है उनको भी मैं बोल रही हूँ, आप सबको भी हैप्पी टीचर्स डे। सैली मैम, महिमा मैम एंड ऑल द जीएससी टीम, मैं सच में बोलती हूँ, प्लीज हिचकिचाइए मत, ज्यादा ना सोचिए, इसे ज्वाइन करें। मैं भी फर्स्ट मंथ था, तभी मैंने भी आप ही की तरह वर्कशॉप ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया है। अभी रिसेंटली अगस्त का क्रिएटिविटी प्राइज भी सर मैंने जीता है, एंड आई एम वेटिंग वाओ फॉर द प्राइज। कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट कब आया कब कांग्रेचुलेशंस, मैं देखूं कि मेरे बेबी बॉर्न से पहले मैंने मेरे बेबी के लिए जीता है। एंड सर ने जो वाओ बोला सभी बात सही है, सर गाइनिक्स अवेलेबल करते हैं हमारे लिए, डाइटिशियंस अवेलेबल करते हैं, हर चीज। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। प्लस पॉइंट ये है कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सारी मदर्स होती है, एवरीवन सर जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है वो क्लियर करती है। यस, आपको वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, दूसरे को भी हो रही है, यस देन वी फील हाँ उसे भी, उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, हमारे गायनिक ने क्या कहा। हम रोज तो भागकर डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, लेकिन वो हमारी ये चीजें भी क्लियर करती है। प्लस जो सब मॉम्स क्रिएटिव चीजें बनाती है वो डालती है, तो हमें भी होता है हम भी कुछ बनाए, इससे बढ़िया बनाए और इससे बढ़िया बनाए, ताकि हम इस बार जीते और इससे बढ़िया बनाए। तो इसी चीज में हम, और आई एम अ वर्किंग वुमन, मैं एक टीचर हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हाँ इन सारी चीजों के लिए योगा है तो मुझे योगा अटेंड करना है, तो अटेंड करना है, लिंक आई है, अटेंड करना है, इस वजह से मैं टाइम निकाल के करती हूँ, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप ये चीज करोगे और मैं सच में बोल रही हूँ, प्लीज ज्वाइन इट। हमेशा सर, सैली मैम और सर की पूरी टीम अवेलेबल होती है, एनी टाइम आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ जीएससी। थैंक यू वेरी मच। भूमि मैम, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो यहाँ पे भी पूछे। कई बार लोग यहाँ पे हाँ होते हैं कि कहते हैं कि हम वर्किंग है, क्या हम टाइम दे पाएंगे। कोई होता है कि हाँ बेड रेस्ट पे है, किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशन है, उनको लगता है कि क्या हमें फायदा होगा। और कई सारे लोग ये भी सोचते हैं, जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में, अभी तो मेरे 20 दिन बचे हैं, अभी तो मेरे 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, तो क्या ये वर्थ होगा। उनके लिए आप क्या बताएंगे? नहीं सर, बिल्कुल 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 पॉजिटिवली मैं बोल रही हूँ कि ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके 9 महीने के 9 दिन बाकी है तो भी आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। 9 महीने की 9 दिन की अफर्मेशंस भी पॉजिटिवली वर्क करेंगी। बहुत सारे जीएससी मॉम्स है जिन्होंने लास्ट में, अभी रिसेंटली एक मम्मा ने बर्थ दिया था, हमने वो बेबी का वीडियो देखा था, शी ज्वाइंड 10 डेज बिफोर और समथिंग लाइक दैट, 20 डेज बिफोर ऐसा कुछ ही था, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। और टेन आप डेज जीएससी बिफोर मॉम्स के बेबीज के वीडियोस भी डाले हुए हैं, वो भी आप देखिए, वो बच्चे कितना एक्टिवली रिएक्ट करते हैं कंपैरेटिवली टू अदर चाइल्ड। ये मैं पक्का बोल सकती हूँ सर, कि आप अगर वर्किंग वूमन है तो प्लीज इसे ज्वाइन करिए, और हाउसवाइफ है तो भी हाउसवाइफ के काम वर्किंग वूमन से कम नहीं होते, वो भी बिजी रहती है, लेकिन अगर उसके माइंड पे ये होगा कि हाँ आज मेरा डाइटिशियन का लिंक आया है, मुझे ज्वाइन करना है, मुझे उसे अटेंड करना है, इफ यू विल पे यू विल डू डेफिनेटली, और इतने कम रेट्स में आई एम टेलिंग यू, और कहीं अवेलेबल नहीं होगी, इतनी फैसिलिटीज भी नहीं होगी, प्लीज आप इसे ज्वाइन कीजिए, ज्यादा ना सोचिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। रियली यू हेल्प मेनी पीपल टू टेक अ डिसीजन टुडे। थैंक यू वेरी मच मैम। भूमि जी, बहुत अच्छा आपने फीडबैक दिया। फाइनली जाते जाते आपको एक ही प्रश्न पूछूंगा कि क्या हाँ आपको, जो हम सारी एक्टिविटीज करवाते हैं, त्राटक है, ब्रेंजिम है, कई सारी एक्टिविटीज है, इवन फन विद जीएससी है, कई सारी एक्टिविटीज है, तो ये सारी एक्टिविटीज करके क्या आपने अपने आप में कुछ बदलाव देखा है कि जो प्रेगनेंसी के बिल्कुल शुरुआती दिन जो होते हैं कि कई बार हमें रूटीन ही नहीं होता है, कब उठे, कब सोए, कब खाए, कुछ पता ही नहीं रहता है, लेकिन ये जो हमने प्लान दिया है, उस प्लान की वजह से क्या आपको कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल फायदा हुआ है। एक लाइफस्टाइल पूरी एकदम आराम से चेन वाइज चलती है, अच्छे से सब टाइम पे काम हो रहा है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे योगा है तो इतने बजे उठ के इस तरह से नाश्ता खाना है। तो मैम हमें फेस योगा भी करवाती है, चेयर योगा भी करवाती है, ऊपर से ये डिटेल्स भी देती है कि किन किन को ये योगा करना है, जो बेड रेस्ट पे उनको ये योगा करना है कि नहीं करना है, उन्हें करना है तो किस तरह से करना है।
और वो भी आपने अल्टरनेटिव डेज अवेलेबल किया है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि सर ने वीक में एक ही दिन दिया है, नहीं, मंडे होगा, ट्यूसडे नहीं, वेनसडे होगा, थर्सडे नहीं, इस तरह से सर ने दिया हुआ है, तो ये सबसे अच्छी बात है। आपका पूरा शेड्यूल एकदम अच्छे से चलेगा और आप अपने बेबी के लिए इतना तो कीजिए ही कीजिए। 10,000 के कपड़े नहीं लेना, लेकिन प्लीज इसमें इन्वेस्ट कर देना। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत जरूरी वर्ड्स कहे आपने रियली भूमि जी। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी टीचर्स डे टू यू आल्सो। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। सी यू अगेन। बाय। टेक केयर एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर